लॉकडाउन 2 की कड़ाई से पालना के लिए पुष्कर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। आज जो सीओ ग्रामीण अजमेर विनोद कुमार सीपा और सीआई पुष्कर राजेश मीणा ने अपने जाप्ते और पुलिस मित्रों के साथ पूरे जितने भी अस्पताल हैं पुष्कर के और बैंकों का जायजा लिया और विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि किसी भी हालत में सोशल डिस्टेंसिंग की ये कड़ी नहीं टूटे, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और किसी भी हालत में बिना काम के लोग घरों से बाहर नहीं निकले, यही पुलिस का प्रयास है। पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पारसर, स्वामी न्यूज। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो संकेत दिए थे उसी की पालना में पुलिस लॉकडाउन पार्ट 2 की कड़ाई से पालना करवाने में जुट गई है। मंगलवार को सीओ ग्रामीण अजमेर विनोद कुमार सीपा और सीआई राजेश मीणा ने जाप्ते और पुलिस मित्रों के जवान के साथ राजकीय अस्पताल और बैंकों के बाहर हालातों का जायजा लिया। विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना पर पूरा ध्यान केंद्रित किया गया। सीओ विनोद कुमार सिपा ने सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की अपील की। सीआई राजेश मीणा ने बताया कि बिना काम घरों के बाहर से आने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं पुलिस और टीम पुलिस मित्र के जवानों ने अस्पताल और बैंकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ाई से पालना कराई। टीम पुलिस मित्र लीडर अमित भट्ट के नेतृत्व में लॉकडाउन पार्ट 1 की शुरुआत से ही पुलिस के साथ टीम पुलिस मित्र कंधा से कंधा मिलाकर कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रही है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई, इसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी हुआ? तैयारियां पूर्व की बात ही रहेगी, हम सख्ती से जो लॉकडाउन है उसकी पालना करवाएंगे। मेरी अपील सभी से यही रहेगी, पुष्कर में भी हमारे सर्कल में भी, कि सोशल डिस्टेंसिंग का रिलीजियसली वो उसकी पालना करें, अच्छे से उसकी पालना।